नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शुक्रवार को जमशेदपुर के सेंट्रल जेल पहुंचे। यहां पर वे सीधे अभय सिंह से मिलने के लिए जेल में गए और मुलाकात भी की। इस बीच उनके बेहद करीबी नेता उनके साथ में थे, लेकिन भीतर जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। अर्जुन मुंडा के सेंट्रल जेल में जाकर अभय सिंह से मिलने का मामला पूरी तरह से चर्चा में है। शहर के लोगों के समझ नहीं आ रहा है कि अब ऊंट किस करबट बैठेगा। अर्जुन मुंडा सेंट्रल जेल में करीब 20 मिनट तक रहे और अभय सिंह से घटना की जुबानी सुनी। इस बीच अभय सिंह ने पूरी कहानी बताई और कहा कि कदमा के घटना के दिन वो उस तरफ नहीं गए थे, उन्हें तो सोची समझी साजिश के तहत फंसाने का काम किया गया है। इस बीच अर्जुन मुंडा ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। अर्जुन मुंडा के साथ जेल के भीतर भाजपा नेता आदित्यपुर के शैलेंद्र सिंह और जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम की चेयरमैन बारी मुर्मू भी थी। यहाँ पे इस मामले से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं है। वैसे लोगों को भी अलग अलग स्थानों ला करके गिरफ्तार किया गया, और मैं समझता हूँ कि इस घटना को, जो छोटी सी घटना थी, उसको विकराल रूप प्रशासन के तरफ से बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से लगे हुए कार्यकर्ता, जहाँ कहीं भी प्रदेश में है, उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ किसी तरह का कार्रवाई इस तरह का यदि होता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा, जो प्रशासन ने किया है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव के कारण इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और जो इस घटना में दूर दूर तक कहीं हिले हुए हैं, वैसे लोगों को आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इधर जमशेदपुर में विभिन्न संस्थाओं के नेतृत्व में एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये जुलूस शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरते हुए साक्षी स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर जाकर समाप्त हुई। वहीं जिले के सांसद भी बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। सभी ने बाबा साहब के विचारधारा को जनमानस के बीच रखा और भारत सरकार से लोगों ने ये अपील किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान को सरकार घर घर तक पहुंचाने का काम करे, ताकि सभी लोग अपने मौलिक अधिकार को समझ सके और उसका लाभ भी उठा सके। लोग यहाँ पर छबील और शरबल बांट रहे हैं। हम आज ये पैगाम देना चाहते हैं जमशेदवासियों को कि जमशेदपुर जो है और झारखंड एक बहुत ही शांतिप्रिय जगह रही है, और आप लोगों सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं झारखंडवासी, कि अमन चैन से आप रहें, ताकि इस देश में हम विकसित कर सकें। ये पैगाम हमारा आज कर रहे हैं। तो संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाने हम लोग आ रहे हैं, और पूरे धूमधाम से पूरे भारतवर्ष मना रहा। हम लोग भी राजद के लोग पूरे हर प्रदेश, हर जिला, हर प्रखंड में आज हम लोग पार्टी का आदेशानुसार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का धूमधाम से कोने कोने में जयंती मनाया जा रहा, और हम लोग भी मना रहे हैं। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में नमाज़े जुम्मा अता की गई। भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद में नमाज अता की। वहीं नमाज को लेकर पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था, जहां ड्रोन कैमरे से स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। वरीय आरक्षी अधीक्षक सहित कई अधिकारी शामिल थे। पिछले दिनों दो समुदाय के बीच हुए आपसी तनाव के बाद अब शास्त्री नगर में स्थिति सामान्य होती जा रही है। वहीं मुस्लिम समुदाय का रमजान का महीना चल रहा है, इसे देखते हुए जुम्मे की नमाज के लिए मुस्लिम समाज के लोगों का जुटान मस्जिद में हुआ था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था, जहां ड्रोन कैमरे से पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही थी।
वहीं स्थिति का जायजा लेने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार खुद शास्त्री नगर में डटे रहे, जहां नमाज अता करने आए मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने नमाज अता की। मुल्क रवाज एवं अपने शहर की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और भाईचारा भी बरकरार रहे, इसकी भी कामना उन्होंने की। वहीं जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि धारा 144 अविलंब हटाया जाए, ताकि रमजान के महीने में छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति दुरुस्त हो सके। का जो माहौल है, अल्लाह ताला इसको दूर कर दे। जो लोग इस तरह का काम किए हैं, आखिरत में उन लोगों का हिसाब हो। लॉ एंड ऑर्डर का मैं शुक्रगुजार हूँ, पिछले के डीसी महोदय या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन लोगों ने बहुत अच्छा से मेंटेन किया है, नमाजी को बहुत तरीके से नमाज पढ़ाया है, और इसी तरीके से हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर बसर करने के लायक हो जाए सब लोग, अपनी दुकान सब खुलने लगे। 144 धारा हट जाए, ताकि लोगों के लिए ईद के मौके में कुछ मार्केटिंग हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर बसर करने वाले लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं, वो भी अपने बाल बच्चे को खुशी में शामिल कर लें। अगर इसी तरह से बंधन रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षडंगी के द्वारा बैसाखी के पावन मौके पर समाज सेवा हेतु एक एम्बुलेंस सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंपा गया। CGPC के द्वारा इसके माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा की जाएगी। इस दौरान CGPC के प्रधान भगवान सिंह समेत तमाम कमेटी मेंबर मौजूद थे। पूर्व विधायक कुणाल षडंगी के द्वारा एम्बुलेंस की चाबी CGPC के प्रधान को सौंपा गया। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक को शॉल उड़ाकर एवं शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। पूर्व विधायक कुणाल षडंगी ने कहा कि आज के इस पावन मौके पर मानव सेवा के तहत एम्बुलेंस सौंपा गया है, जिसके माध्यम से CGPC जरूरतमंदों को अपनी सेवा देगी। तो आज बहुत पवित्र दिन है, वैशाखी है, खालसा स्थापना दिवस है। ऐसे समय पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को ये एम्बुलेंस मेरे एक मित्र ने मुझे एक तोहफे में दी थी, जरूरतमंदों की सेवा के लिए मेरे पास ये रखी हुई थी। कोविड काल के बाद इसका इस्तेमाल उस ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लगा कि आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के माध्यम से जरूरतमंदों को इसकी सेवा मिल पाएगी, और आज के पवित्र दिन ये उन्हें सौंपने का सौभाग्य मुझे मिला है। और आने वाले समय में जिस तरह की चुनौतियां हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप सब जानते हैं कितनी आवश्यकता है एम्बुलेंसेस की, और जो कमेटी के पास पुराने इनका एम्बुलेंस था उसकी स्थिति ठीक नहीं है, इसको देखते हुए आज ये एम्बुलेंस मैंने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को सौंपी। कमेटी की ओर से उनका गुरुनाथ सरंगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी संस्था को, हमारे समाज को इस लेकर समझा कि हम एक एम्बुलेंस यहाँ सब प्रेम भेंट करेंगे और ये सुचारू रूप से चल पाए। और हम भी उनसे वादा करते हैं कि इसको हम मेंटेनेंस भी एकदम पूरा ठीक ठाक रखेंगे, ड्राइवर भी हमेशा अवेलेबल रखेंगे और सुचारू रूप से चलाएंगे। कहीं भी कोई गरीब किसी को दरकार पड़ता है, फ़ोन करेगा एकदम तुरंत उसको सेवा पहुँचाने का काम करेंगे, जिससे हमारे समाज का भी साथ साथ कुणाल सरंगी जी का भी नाम रहेगा कि उनकी बदौलत हम समाज को सेवा दे पा रहे हैं। जमशेदपुर में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन बंगला नववर्ष के आगमन से एक दिवस पूर्व मानव सेवा कर पुराने वर्ष को विदाई दी। इनके द्वारा जोगसला स्थित नवजागृत मानव कुष्ठ आश्रम में निवास करने वाले कुष्ठ पीड़ितों के बीच भोजन का वितरण किया गया। संस्था के वरिष्ठ सदस्य दुर्गा पदोदास की अगुवाई में इसका आयोजन हुआ। यहाँ निवास करने वाले 50 कुष्ठ पीड़ितों को इनके द्वारा भोजन कराया गया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि नए वर्ष में तमाम लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, और संस्था के तमाम सदस्यों का एक घर ये कुष्ठ आश्रम भी है, और यहाँ निवास करने वाले तमाम कुष्ठ पीड़ित भी अपने ही हैं, और इसी कारण आज इस खास मौके को यहाँ मानव सेवा कर मनाया जा रहा है, ताकि ये अपने आप को कभी अकेला महसूस न करे। साल का हम लोग का आवरणी बोल के एक होता है, वर्ष आने के पहला दिन हम लोग निमंत्रण करके बुलाते हैं अपने पूरा कुल देवता, अपने जो भी इष्ट देव हैं सबको बुलाते हैं, उनके आगमनी के उपलक्ष्य में हम लोग इस दिन को मनाते हैं। कल हम लोग का 15 तारीख को पहला बैसाख है, जो कि धूमधाम से हर घर में मनाया जाता है, और आज जो हम लोग अपने तरीके से दीन दुखिया गरीब को अपने तरफ से जो भी दान करना होता है आज के दिन करके उन लोगों से आशीर्वाद ग्रहण करने का काम करते हैं। खास करके बंगाल समुदाय के लोग नव वर्ष का
जो आगाज होता है वो धरातल में रह रहे इन पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए, क्योंकि इनके अगर इस समय अगर हम इनके बगल में खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हम परिवार के साथी हैं, क्योंकि इन लोग तो बहुत दूर से अपने परिवार को छोड़कर आए हैं। तो कल जिस तरह से हम लोगों के हर के घर में जहां चारों तरफ खुशहाली बरकरार रहेगा और बहुत ही हर्षोल्लास वातावरण में सभी के लिए पूरे समाज के हर वर्ग के लिए मंगल कामना के साथ प्रार्थना करेंगे, तो हमारे कई ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिनके नक्शे कदम पर हम लोग चलकर आज एक दिन पूर्व ही इनके बीच खुशियां लाने का सदैव प्रयास करते हैं, ताकि इनके जीवन में भी ऐसे ही खुशहाली ऐसे ही हर्षोल्लास का वातावरण यहाँ भी बना रहे। जमशेदपुर के मानगो स्थित संजीव नेत्रालय सुपर स्पेशलिटी रेटिना हॉस्पिटल ने शहर के मरीजों के लिए अपने चौथे वर्षगांठ पर विशेष सुविधा शुरू की है। एक वार्ता के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी दी। अस्पताल के द्वारा होम चेकअप की सुविधा की शुरुआत अपने चौथे वर्षगांठ के मौके पर की गई। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार शहर में ऐसे कई मरीज हैं जो ज्यादा चलने फिरने में असमर्थ है, और इसको देखते हुए अस्पताल ने इस सुविधा को शुरू किया है, जहां अस्पताल की टीम मरीज के घर पर जाकर ही टेस्ट करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर उनका इलाज अस्पताल में किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल में पहले से बुकिंग की जरूरत है। बार जो है हमने एक विशेष किस्म का जो है स्कीम लॉन्च किया है, ये आई चेकअप एट योर होम। इसमें जो है हम अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट या टेक्नीशियन भेजेंगे, इसमें उन लोगों को बहुत सुविधा होगा जो घर यहाँ आ नहीं सकते, घर से हॉस्पिटल नहीं आ सकते, खास करके बहुत बुजुर्ग जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, विकलांग हैं या जिनके पास समय नहीं है, उन लोगों के लिए हमने जो एक स्कीम बनाई जिसमें हमारे टेक्नीशियन जाएंगे, उन्हें जाँच करेंगे, इसमें जो चश्मा का जाँच से लेकर के आँखों सभी तरह का जाँच हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एएमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।